एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नेचर पीस एंड लाइफ। होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। सो टुडे आई विल बी शोइंग हाउ यू कैन मेक अ ब्यूटीफुल प्लांटर लाइक दिस फ्रॉम अ वेस्ट कंटेनर। सी, देखिए कितने प्यारे बने हैं ये प्लांटर। एंड मैं इसे हैंग करके भी रख सकती हूँ एंड लाइक दिस ऑल्सो मैं प्लेस कर सकती हूँ इसे। सो लेट्स स्टार्ट मेकिंग दिस ब्यूटिफुल प्लांटर। सो टुडे आई विल बी मेकिंग अ ब्यूटिफुल प्लांटर यूजिंग दिस कंटेनर। दिस वॉज अ वेस्ट कंटेनर, काफ़ी पुराना कंटेनर है ये एंड यहाँ पे देखिए क्रैक्स भी हैं, तो ये यूज़ नहीं होता था। तो मैं इसे एक प्लांटर में कन्वर्ट करूँगी। ये काफ़ी गंदा था तो मैंने इसे साफ़ कर लिया है। तो चलिए इसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम इस पे लगाएंगे एक कोट जेसो की। मैं यहाँ पे वाइट जेसो ले रही हूँ एंड स्पॉन्ज डाइवर की हेल्प से इस पे पूरा जेसो लगा लेंगे। मैं फ्लैट ब्रश के हेल्प से इस पे जेसो लगा रही हूँ क्योंकि स्पॉन्ज से उतने अच्छे फिनिशिंग नहीं आ पा रहे थे स्टील पे। नाउ देखिए इस पे जेसो लग गया है पूरा हर साइड से, तो इसे ड्राई करने के लिए रख देंगे अप्रॉक्स 1 आवर। ना जैसे ड्राई हो गए हैं तो मैं इस पर अब लगा रही हूँ ये चॉक पेंट, पाइनएप्पल लॉली वाले चॉक पेंट लगा रही हूँ। सी कितने प्यारे कलर हैं ये, इसे पूरे कंटेनर पे लगा लेना है। यहाँ पे हम लोग दूसरे कलर यूज़ करेंगे तो इसे पीला से कवर नहीं कर रहे हैं अभी। ये हर साइड से येलो कलर के चॉक पेंट से कवर हो गया, तो अब इसे ड्राई होने के लिए रख देंगे थोड़ी देर के लिए। नाउ पेंट जो है वो ड्राई हो गए हैं तो मैं इस पर अब पेस्ट करूँगी ये ब्यूटीफुल बटरफ्लाइज। मैं यहाँ पे बटरफ्लाइज को कट कर ले रही हूँ, पूरे पेपर को स्टिक नहीं करना है, तो मैं ये छोटे छोटे जो बटरफ्लाइज हैं उसे कट कर ले रही हूँ। इस टाइप से मैं और भी बटरफ्लाईज कट कर ले रही हूँ। मैं कुछ कुछ बटरफ्लाई हैंड से भी टियर कर रही हूँ लाइक दिस। नाउ ये सारे कटआउट्स मैं स्टिक करूँगी इस पे यूजिंग दिस डेकोपाज के मैट वाली ग्लू। पहले ये डेकोपाज वाले पेपर को मॉइस्ट कर लेंगे वाटर से। एकदम लाइट हैंड से ये पेपर को रखेंगे एंड सेंटर से इसे पेस्ट करना स्टार्ट करेंगे। मैं यहाँ पे फैन ब्रश का हेल्प ले रही हूँ, ड्राई फैन ब्रश की।
और इस पेपर के ऊपर भी थोड़े थोड़े ग्लू लगा लेंगे ताकि हमारे जो पेपर है वो अच्छे से स्टिक कर जाए। देखिए कितने अच्छे से पेस्ट हो गए, एक भी बबल्स नहीं आए हैं। तो आप भी अगर इस टाइप से डेकोपाज के वर्क अगर कीजिएगा तो ऐसे ही लाइट हैंड से पेपर स्टिक कीजिएगा। नाउ पेपर जो है हर साइड स्टिक कर गए हैं, तो मैं यहाँ पे अभी ब्लू एक्रेलिक पेंट से यहाँ पे एंड डाउन में यहाँ पे पेंट करूँगी। नाउ यहाँ पे मैं बना रही हूँ पोल्का डॉट फ्लावर वाइट एंड रेड एक्रेलिक कलर से। यहाँ पे रेड कलर की लाइन दे दे रहे हैं फिनिशिंग के लिए। नाउ यहाँ पे भी पोल्का डॉट्स बना लेंगे। नाउ देखिए ये पोल्का डॉट फ्लावर्स ऊपर एंड नीचे दोनों साइड बन गए हैं। नाउ मैं इस टाइप के फ्लावर यहाँ पे रेड कलर के एक्रेलिक पेंट से बनाऊंगी लाइक दिस। नाउ देखिए सारे साइड मैंने फ्लावर बना लिया है इस टाइप से। नाउ मैं मार्कर के हेल्प से बटरफ्लाई को हाईलाइट कर लूंगी। मैंने हर साइड से इसे हाईलाइट कर लिया है। नाउ इस पे मैं लगाऊंगी डेकोपाज ग्लू के एक कोट ताकि हमारे जो वर्क है वो सील हो जाए, लॉन्ग लास्टिंग हो, ख़राब ना हो। आप जब भी डेकोपाज ग्लू लगाए तो उसे एक साइड ही लगाए लाइक दिस। आप जिस डायरेक्शन में कर रहे हैं उस डायरेक्शन में ही ब्रश को ले जाएं तो आपके जो वर्क है वो ख़राब नहीं होंगे। एंड एकदम लाइट हैंड से कीजिएगा। नाउ ग्लू ड्राई हो गया है तो मैं इस पर लगाऊंगी एक कोट वार्निश की। यहाँ पे मैं डेको वार्निश मैट वाले ले रही हूँ क्योंकि मैंने जो ग्लू लगाए थे वो मैट लुक के थे। फैन ब्रश के हेल्प से मैं इस पे वार्निश लगा रही हूँ। आप एक डायरेक्शन में अपने ब्रश को लेके जाइएगा ताकि आपके जो वर्क हैं वो ख़राब ना हो और अच्छे से वार्निश लग जाए। तो सी वार्निश लग गए हैं, मैं इसे ड्राई करने के लिए रख दूंगी थोड़े देर के लिए। नाउ वार्निश ड्राई हो गए हैं एंड मैंने हैंडल को भी रेड कलर से पेंट कर लिया है रेड एक्रेलिक पेंट से। नाउ यहाँ पे मैं जूट रोप लगाऊंगी यूजिंग दिस ग्लू गन। नाउ ये कंप्लीट हो गए हैं तो मैं यहाँ से कट कर दे रही हूँ। नाउ प्लांटर जो है रेडी हो गए हैं तो मैं इसमें अपने प्लांट लगा दूंगी। प्लांट लगाने के लिए मैंने दो डिस्पोजेबल ग्लास को ऐसे करके स्टिक किया है हॉट ग्लू गन से एंड सॉइल डाल दिया है। मैं इसमें मनी प्लांट लगा दे रही हूँ।
यहाँ पे दो टाइप के मनी प्लांट लगा रही हूँ, एक डार्क ग्रीन एंड दिस इज नियॉन ग्रीन। इसे हम अपने प्लांटर के अंदर डाल दे रहे हैं। तो ये देखिए हमारे प्लांटर रेडी हो गए हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं बनने के बाद। तो आप भी इसे ट्राई करें, आपके घर में भी अगर इस टाइप के कंटेनर है, वेस्ट कंटेनर है, तो आप इसे ट्राई करें। एंड यस, अगर आपको मेरी ये प्लांटर पसंद आई तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करके भी बताइए कैसी लगी आपको ये प्लांटर। एंड यस, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब कर ले एंड बगल में दिए हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि मेरी जो वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप लोग को तुरंत मिल सके। एंड ऑल्सो आप मेरे दूसरे वीडियो को चेक करें। थैंक यू, बाय बाय।